हम पूरे दिन का निर्धारण ऐसे करते हैं कि हमें क्या पहनना है, हमें ये पहनना है, हमें ये पहनना। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, सब आबाद होंगे। तो बड़े दिनों के बाद एक व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। तो एक्चुअली आज के व्लॉग में जाएंगे हम मार्केट जाएंगे, कारगिल मार्केट जाएंगे, तो बने रहना वीडियो में। जब वीडियोस पे व्यूअर्स आते हैं ना, तब मतलब 30% ही मेरे सब्सक्राइबर्स होते, बाकी जो 70% होते वो सब्सक्राइब नहीं करते। जो जो अभी देख रहे वीडियो, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना। तो दोस्तों चैनल पे 3K कंप्लीट हो गए, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे यूट्यूब से पहले इनकम बहुत जल्द आने वाली है, तो बस कुछ $5 बचे, $100 कंप्लीट होने वाले। तो जो ही यूट्यूब से फर्स्ट इनकम आएगी तो हम जल्दी एक व्लॉग बनाएंगे। तो एक अनाउंसमेंट है, जो है मेरी स्पार्क गाड़ी है, 2009 एंडिंग मॉडल है, तो ये मैं बेचने वाला हूँ। अगर कोई सब्सक्राइबर्स लेने वाला है तो मैं उसे डिस्काउंट करके दूंगा। तो गाड़ी एक्चुअली नौ मॉडल है, तो मैं दे दूंगा उस। तो आज 45 दिन के बाद मैं अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, देख सकते हो बर्फबारी की नहीं है। बोनट खोलना होगा इसका। 45 दिन के बाद गाड़ी खोलने का अलग ही स्वेक होता है। देख सकते हो गाड़ी क्या हाल हुआ, अंदर से बर्फ साफ किया ही नहीं पिछले 40-45 दिनों से। तो अब देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। फोन से ना होता तो वही वही नहीं। तो दोस्तों पहला सिलप लगा के देखते हैं हम गाड़ी में। एक ही से लंबी गाड़ी स्टार्ट, कमाल की बात है ना। इस -30 में 45 दिन के बाद गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर भी एक से लंबे स्टार्ट। देखो यार, बड़ी बड़ी कंपनी की गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती। आज देखो एक ही से लंबे हमारी स्पार्क की गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अब इसको भगाते हैं, चैन भी लगाना है अभी गाड़ी में। बर्फ देखो, इस बर्फ में निकलेगी गाड़ी। तो चलो अभी चलते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो रोड कंडीशन देख सकते हो कारगिल की क्या हालत है, 2-3 नंबर पे गाड़ी चल रही है, लेकिन ब्रेक मारना नामुमकिन है। आज कोई आया नहीं मेरे साथ, पता नहीं क्यों नहीं आया। तो बालों का और बियर्ड का हाल देख सकते हो, बिल्कुल 45-50 दिन से मैंने काटा ही नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। तो आज 45 या 50 दिन के बाद आई थिंक बाजार जा रहा हूँ, तो आज देखेंगे क्या होता है। देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई है। तो कमाल की बात है मेरे लिए, 900 cc इंजन लेके 40-50 के स्पीड में चल रही है विदाउट सीकेंट, तो कमाल की बात है गाड़ी के लिए। रोड देख सकते हो नीचे बिल्कुल कोहरा लगा के, लेकिन गाड़ी चल रही है एक नंबर। तो इस मौसम में किसी को लिफ्ट देना भी डर लगता है यार, अगर कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता तो सारी जिम्मेदारी मेरे अंदर ही आएगी, तो क्या ही करूँ, लिफ्ट दूँ कि नहीं। लिफ्ट देना से डर लगता है पता है। देख सकते हो यार कंडीशन रोड की, लेकिन यू चेक करो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आज 3 महीनों के बाद बाल काटने वाले हम, देख सकते हो हाल हाल क्या हुआ, देख सकते हो 3 महीनों के बाद। पता है गांव में सबसे बड़ी दाढ़ी मेरी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई ना। बाल थोड़ा सेट करेंगे और दाढ़ी थोड़ा सेट करेंगे, बहुत बड़ी हो गई है।
सेट करूँ कि पूरी क्लीन करूँ, अब क्या फ़ायदा पता नहीं। तो थोड़ा शेव करूँगा, उसके बाद थोड़ा बाल सेट करूँगा। देख सकते हो दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है यार। थ्रेडिंग तो नहीं है? हाँ थ्रेडिंग तो नहीं है। थ्रेडिंग ऊपर से वाले कि नहीं ऊपर करेगा, नीचे शुरू करेगा थ्रेडिंग छोड़ के। तो कमेंट करके बता देना पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है। बियर्ड अच्छी लगती है कि क्लीन शेव अच्छा लगता है मेरे चेहरे। 3 महीने के बाद शेव कर रहा हूँ, मुझे भी खुद की शक्ल पहचानने में मुश्किल हो रही है। फाइनली कटिंग हो गई है। हमारे शाहरुख भाई जो कि करगिल के एक माने जाने सैलून में रहते, तो किसी को अगर कटिंग करनी है तो भाई के पास आ जाना। देखो मुझे क्या से क्या बना दिया, 3 महीनों से हाथ भी नहीं लगाया था मुंह में, लेकिन 5 मिनट में काम तमाम कर दिया भाई ने। कुछ बोलना चाहते हो करगिल के आवाम को, क्या मैसेज देना चाहते हो? अच्छा फिर वेट पर चलते हैं, ठीक है। तो गाड़ी यहाँ पे रख के गए थे हमने, कम से कम पुलिस वाले 4 बार आए आवाज़ लगाते गाड़ी निकालो बोल के। लिए तो ये रहा कुछ पॉइंट का व्यू यहाँ का, कम से कम 1.5 महीने के बाद बाज़ार का व्यू दिखा रहा हूँ मैं। सारी गाड़ियों में थोड़ा सा भी बर्फ़ नहीं दिख रहा, लेकिन हमारी गाड़ी में देखो बर्फ़ अभी भी चढ़ा है ऊपर। अब चलते हैं वापस। देख सकते हो बाज़ार के रोड्स नीचे बिल्कुल कीचड़ हुआ है, कीचड़ कीचड़ से लखपत है रोड। तो करगिल के भाइयों को मेरा दिल से सलाम। बस हमें ऊपर थंग में थोड़ा काम है, वहाँ पे पाइप थोड़ा लीक है गाड़ी का, उसको थोड़ा वेल्डिंग करना है। उसके बाद बैंक में थोड़ा काम है, उसके बाद चलते हैं सिद्धेघर, क्योंकि शाम को बिल्कुल कोहरा लगता है, तो अभी जाना पड़ेगा हमारे उस्ताद हुसैन के पास गाड़ी का पाइप बनाने के लिए। लेकिन पाइप मिला नहीं, देखो यार आधा घंटा गाड़ी चलाने का हाल क्या हुआ है। तो गाड़ी ढक चुकी है बिल्कुल बर्फ़ से, नंबर प्लेट भी हमने लगाया गाड़ी में, अगर किसी को नंबर प्लेट लगाना है एनडी तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको बिल्कुल लो प्राइस में एनडी घर में पहुँचा के दूँगा। तो अभी इसका एक पाइप में वेल्डिंग करना है, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे वर्कशॉप पे जा रहे हैं, एक कबला ढूंढना है, वहीं ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो वो लाने के बाद हम मिलेंगे। वो करगिल में सारी सेकंड हैंड गाड़ियों का सामान यहाँ पे मिलता है नियर ब्रिगेड रोड। अगर कोई जम्मू या श्रीनगर में या कहीं बाहर है तो कॉन्टेक्ट करें, और मुझे एक कबला चाहिए इस पर गाड़ी का। तो हमें यहाँ पर भी नहीं मिला, बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। और मेरा कोई सब्सक्राइबर बाहर है तो कॉन्टेक्ट करना मेरे साथ, तो वहीं से हम लाएंगे। यहाँ पे तो मिलना मुश्किल ही है, नामुमकिन ही है। तो सुबह से कुछ खाया नहीं, पहला कुछ खाएंगे
तो पहले दिन ही बाजार है और किसी ने टायर पंचर कर दिया। यही होता है हमारा हमेशा मेरे साथ। तभी टायर बनाएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। मौसम हद देख सकते हो, बिल्कुल काम रहा, इतनी सर्दी है यहाँ पे। तो दिन को तो इतनी सर्दी नहीं होती, बस सुबह शाम थोड़ी सर्दी होती है। तो यहाँ पे एक मैकेनिक है करगिल के माने जाने, एक इलेक्ट्रिक मैकेनिक है, तो यहीं पे आ जाना TFC के पास सामने। तो टायर बना के हम निकलेंगे अभी यहाँ से। घर के लिए कुछ सब्जी और फ्रूट्स लेंगे हम यहाँ से, नियर फातिमा चौक। तो देखते हैं पहले खुला है कि नहीं। तो आज दुकान फाइनल बंद है, देख सकते हो। और ये दुकान वहाँ पे नीचे देख रहे हो, छोटी सी एक दुकान वो है, तो बंद है। चलो चलते हैं वापस। तो कुछ लोग बोल रहे थे ऐसे चेहरा ढक के क्यों चल रहा है, तो अब सबकी मोहब्बत है इसीलिए। दोस्तों अभी रोड पे है, कम से कम 1.5 फुट बर्फ है, और हम लेके जा रहे हैं अपनी सिपारक दबा के वो भी 4 नंबर पे। तो इस बर्फ में गाड़ी चलाने का कुछ अलग ही मजा है। देख सकते हो चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन हम अपने ही मजे में गाड़ी चला रहे हैं। टेप भी बन हो गया, चलो देखते हैं हम। तो चैनल पे इतना ही था। अगर किसी भी रीजन से वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाना। तब तक के लिए वस्सलाम अलैकुम।